अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मार्च रोज़ मंगल और मैं मौजूद हूँ कुंदिया रेलवे स्टेशन पर। अभी ये आपको इसका बाहर से थोड़ा विज़िट करवा रहे हैं और ये सामने मस्जिद है, तो इंशाल्लाह अंदर चल के रेल फैनिंग करते हैं। मैंने इंशाल्लाह अभी 129 अप को भी कैप्चर करना है, 130 डाउन को भी कैप्चर करना है और उम्मीद है हमें कोई गुड्स ट्रेन भी यहाँ पे मिल जाएगी और इंशाल्लाह लोकोमोटिव शेड को भी यहाँ पे विज़िट करेंगे और उसके अलावा जो भी इधर मेंटेनेंस वगैरह का काम होता है लोकोमोटिव शेड में उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और इंटरव्यू करेंगे वहाँ हमारे एक दोस्त हैं उनसे। तो चलते हैं इंशाल्लाह फिर अंदर, आपको मज़ीद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये जी खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है कुंदिया का, ये सामने इंतज़ार गाह है, दर्जा है AC और ये है इंतज़ार गाह, दर्जा इकॉनमी मर्दाना और वो सामने ठहरी है जनाना फॉर लेडीज़। उसके अलावा ये इंक्वायरी ऑफिस है और पार्सल गोदाम, साथ में ये मियाँ वाली एक्सप्रेस का ऑफिस है जहाँ से आप बुकिंग करवा सकते हैं जो कि अभी बंद है और मे बी रात को खुलेगा। तो उससे आगे ये कैरेज वालों का, थोड़ा बहुत स्टाफ वालों का दफ्तर है और स्टेशन मास्टर रूम है आगे। तो ये टिकट घर है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुंदिया रेलवे स्टेशन पे और सामने जो ZCU 20 6408 के साथ आपको ट्रेन नज़र आ रही है वो है 129 अप थल एक्सप्रेस, और साथ में ये आपको लोड जो नज़र आ रहा है ऑयल टैंकर्स का, ये हैं डाउन TM स्पेशल, और सामने जो ZCU 20 दूसरा आपको नज़र आ रहा है वो है 130 डाउन थल एक्सप्रेस जो कि अभी डिपार्ट करने लगी है, बस अभी निकल पड़ेगी, तो इसको भी अभी कैप्चर करते हैं फिर। तो काफ़ी ख़ूबसूरत स्टेशन है रेलवे स्टेशन और पुर रौनक रेलवे स्टेशन है माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा इधर रश है। तो जैसे ही उसका डिपार्चर होता है फिर आपको बताते हैं 130 डाउन का। 129 को तो थोड़ी देर है और सामने वो GMCU 15 भी थोड़ा बहुत शंट पे बिजी है, शंट कर रहा है ऑयल टैंकर्स को इधर लेकर आएगा, प्लेसमेंट करेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ये ऑयल टैंकर्स फिर अरेंज होंगे शाम को, ये गाड़ी अरेंज होगी। अभी सर लगा दिया ZCU 20 6407 130 डाउन जो कि अपने मुकर्रा वक्त से 20 मिनट लेट डिपार्ट करने लगी है जी। तो चल पड़ी है गाड़ी 130 डाउन थल एक्सप्रेस। अभी आपको एक खूबसूरत सा मंजर दिखाएंगे जब ZCU 20 अपने दूसरे ZCU 20 के बिल्कुल सामने आ जाएगा। दूसरे ZCU के बिल्कुल सामने आ जाएगा। वन थर्टी डाउन और 129 आपका मोस्टली जो क्रॉस होता है वो कुंदिया में ही होता है, समटाइम्स इसी वजह से नहीं हो पाता क्योंकि गाड़ी लेट होती है 129, अदरवाइज इनका क्रॉस इधर ही होता है। सो अभी डाउन निकल रही है ZCU 20 meets ZCU 20। ये बड़ा चार्मिंग सा सीन है,
माशाल्लाह बखैर आफियत ये गाड़ी रवाना हो चुकी है 130 डाउन कुंदिया से डिपार्चर इसका हो गया है। उम्मीद करते हैं कि ये इंशाल्लाह खैर आफियत से मुल्तान पहुंचेगी। तो अभी 129 आप इसके बाद निकलेगी इंशाल्लाह। तो अभी आपको मज़ीद कुंदिया लोकोमोटिव शेड की तरफ भी ले जाएंगे और कुंदिया लोकोमोटिव शेड के अलावा आपको कुंदिया रेलवे स्टेशन का भी मज़ीद इंशाल्लाह रिव्यू देंगे। अब आपको मैं ले आया हूँ उस तरफ जहाँ पे शंट हो रहा है और ये BTOs जाएंगे महमूद कोट, ये तारुक जब्बा पिशावर का एक स्टेशन है, उधर से आए हैं। और ये महमूद कोट से बेसिकली गाड़ी चलती होती है महमूद कोट टू तारुक जब्बा MT स्पेशल। तो ये अब उसका MT लोड आया खाली जिसे बोलते हैं MT, तो इसे MTM बोलते हैं तारुक जब्बा टू महमूद कोट। तो इसका अभी शंट जारी है। तो यहाँ से अभी 130 डाउन ने डिपार्चर किया था, ये प्लेटफार्म नंबर 2 है इसका। तो प्लेटफार्म नंबर 2 से गाड़ी निकली थी क्योंकि प्लेटफार्म नंबर 1 पे उसका अराइवल हुआ था 129 आपका। तो ये आपको शंट दिखाते हैं जो शंट जा रही है अभी 4905 GMC U15 4905 जो कि शंट पे बिजी है। और शंटिंग पे जनाब टिप्टी ड्राइवर होंगे कुंदिया के कोई जो कि शंट कर रहे होंगे अभी। तो ये शंटिंग जा रही है जी 4905 के साथ। साउंड अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ ठीक हो? अल्लाह बा खुश रखे आपको, सलामत रहें जी। तो ये जी शंट जा रही है, ये मेरे दोस्त हैं असिस्टेंट ड्राइवर डिप्टी ड्राइवर साहब, इनसे भी मुलाकात करते हैं। तो ये DVS रेक है जिसे प्लेस करने जा रहे हैं सिक लाइन पर, इस पर थोड़ा बहुत काम होगा फिर जाके ये जो DVS रेक है ये सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये डाउन TM रवाना होगी, इसको अरेंज किया जाएगा। 3 BTOs हैं वो DVS हैं। DVS उन कोचेज़ को बोलते हैं या उन BTOs को बोलते हैं जो कि थोड़ा बहुत जिनमें रिपेयर का काम करना होता है, वो DVS कहलाती हैं। अच्छा तो इधर एक कैंटीन भी है, तो ये अंकल ये कैंटीन चला रहे हैं, इनसे भी थोड़ा बहुत इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले ये बताएं कि उर्दू में बात करूं या सराकी में? उर्दू ठीक है। अच्छा चलें ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे काम करते हुए, ये कैंटीन चलाते हुए? 1977 से इधर है। अच्छा माशाल्लाह। तो इसका क्या ठेका है या क्या कराया ये तो बताएँ। अच्छा आपको इधर पे मिलती है पर मंथ कितनी पे है? 15,000। अच्छा 15,000 हो जाता है गुजारा? अच्छा तो काम कैसा है इधर आपका? अच्छा माशाल्लाह। कितनी अर्निंग हो जाती है आपकी डेली? अच्छा तो इधर कौन कौन सी ट्रेन के स्टाफ्स हैं? जी जी। अच्छा तो रात को। अच्छा तो ये बताएं कि आपका आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है, आप कितने बजे आते हैं और कितने बजे वापस जाते हैं? अभी हम आए हैं 12 बजे जी, अभी वापस जा रहे हैं। अच्छा अभी वापस जाएंगे रात तो को आएंगे, रात को 1 to 7 के टाइम पे आएंगे। सही। तो ये जो 147 और 148 चलती है मियांवाली एक्सप्रेस, उसके टाइम पे भी आप आते हैं? ना, वो उस स्टेशन पे आती है। अच्छा उधर आती है। चलें बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रहें जी। तो ये रेक अभी आ चुका है, BTOs जो हैं 3 BTOs ये अभी सिक लाइन की तरफ जा रहे हैं और अभी सिक लाइन पर जा कर इनकी थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट होगी, उसके बाद ये फिट होकर चलने के काबिल हो जाएंगे, यानी लोड वर्क लोड के साथ अटैच हो जाएंगे, फिर ये महमूद कोट जाएंगे। Hello।
129 अप का डिपार्चर हो चुका है और इस वक्त टाइम है 15:11। ये भी अपने मुकर्रा वक्त से तकरीबन 10 मिनट लेट चली है और विसल तो मैं इसका कैप्चर नहीं कर सका, तो अभी हेडलाइट्स ऑफ हैं इसकी। हेडलाइट्स ऑफ हैं इसकी अभी तक। काफ़ी स्पीडी इसका डिपार्चर हुआ है। एक और चीज़ आपको बताता चलूं कि अब कोई भी बिज़नेस क्लास कोच या एसी स्टैंडर्ड कोच इसके साथ अटैच नहीं है और ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर इकानमी क्लास पे मुश्तमिल है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बखैर वाफियत अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी इंशाल्लाह खैर वाफियत से अपनी मंजिल मकसूद यानी रावलपिंडी तक पहुँच जाएगी। सो व्यूअर्स, GMCU 154905 अभी तक सिक लाइन पर बिज़ी है, कुछ कोचेस को सिक लाइन पर प्लेस कर रहा है और अभी आप देख सकते हैं इसके साथ एक आज लेकर अभी तक भी अटैच है, तो इसको अभी ये जाएगा सिक लाइन पर छोड़ने। जी तो ये था हमारा पूर्णिया रेलवे स्टेशन पर ट्रिप का पहला एपिसोड। इंशाल्लाह सेकंड एपिसोड अपलोड करेंगे, उसमें आपको पूर्णिया लोकोमोटिव शेड का विज़िट करवाएंगे और उसके बारे में मुकम्मल ओवरव्यू देंगे।